updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, कल जो है जितने भी लोकसभा सीटों के चुनाव हुए थे उसमें से जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल जो है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। इस कड़ी में नगीना लोकसभा सीट पर जहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़े थे, तो भैया एग्जिट पोल में माई एग्जिट इंडिया के एग्जिट पोल में भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद को लेकर चौंकाने वाली खबर आ गई है। चलिए जानते हैं क्या होता है, जीतते हैं कि हारते हैं। जी हम बात करें तो जिनको लोकसभा के सभी 7 चरणों का मतदान खत्म हो गया है, मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी एग्जिट पोल जारी है, जिससे में उत्तर प्रदेश की कई हॉट सीट भी शामिल रही हैं। दरअसल यूपी के नगीना लोकसभा सीट पर भी इस बार चुनाव में यूपी की हॉट सीट रही है। यहां से खुद भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतरे थे। चंद्रशेखर ने नगीना जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा ने भी नगीना में अपनी पूरी ताकत लगाई है। अब माई इंडिया के एग्जिट पोल में नगीना लोकसभा सीट को लेकर जो दावा किया गया है वो वाकई हैरान है। नगीना में मुख्य मुकाबला भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और भाजपा उम्मीदवार ओम कुमार के बीच माना जा रहा है। सपा उम्मीदवार मनोज कुमार और बसपा के सुरेंद्र कुमार ने भी खूब मेहनत किया था, मगर लग रहा है कि ये दोनों अपना असर नहीं डाल पाए हैं। अब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो नगीना से चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो जीत सकते हैं। चंद्रशेखर नगीना में भाजपा के ओम पुकार से काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में चंद्रशेखर को चुनावों में ज्यादा मजबूत माना गया है। बता दें कि अगर चंद्रशेखर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। सपा ने चंद्रशेखर का साथ नहीं दिया था और उनके खिलाफ ही उम्मीदवार उतारा था, मगर अब एग्जिट में कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। बता दें कि हर एग्जिट पोल में यूपी में भाजपा को बड़ा दिखाई गई है। भाजपा को एग्जिट पोल में करीब 62 से 72 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। 4 जून को लोकसभा का परिणाम आना है, तब असल आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल आया है वहां पर नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद जो है वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से। बाकी आप लोगों क्या लगता है, नगीना पर कौन बाजी मारेगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।